Hey guys, what's happening? I hope you are doing absolutely well. Welcome to Harry Rolling. So guys, you must be thinking, आज मैं तैयार होकर कहाँ जा रहा हूँ? वो भी एक weekday पर. So guys, today I am going for a family dinner because today is 4th of October and it's my parents' anniversary. And अभी हम जा रहे हैं बूहो. ये फरीदाबाद में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, रेस्ट्रो बार एक्चुअली. एंड हैविंग सेड दैट, मैंने केक भी ऑर्डर कर लिया था फ्रॉम माय फेवरेट चीज़ केक एंड कंपनी. सो वो मेरा फेवरेट है एक्चुअली. सो गाइस, चीज़ केक एंड कंपनी मेरा फेवरेट है क्योंकि उससे ज़्यादा टेस्टी केक मैंने अभी तक नहीं खाया. मैंने काफ़ी सारे ट्राई करे, बिग चिल केकरी एंड काफ़ी सारे एक्चुअली, नोएडा में भी, दिल्ली में भी एंड फरीदाबाद में भी. बट हैंड्स डाउन मुझे चीज़ केक एंड कंपनी का सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है. तो अभी हम चलते हैं यार, अभी मैं आपको दिखाता हूँ बूहो, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम इन बूहो. सो आई विल बी शोइंग यू कैसा है कैसा नहीं है. सो गाइस, कैन यू बिलीव दिस इज फरीदाबाद? यस यार, ये काफ़ी लेट हो चुका है. ये है ग्रेटर फरीदाबाद एंड वी आर गोइंग देयर बूहो. दिस इज अ न्यू एडिशन टू दिस प्लेस. तो अब चलते हैं ऊपर. सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं वर्ल्ड स्ट्रीट एंड यार यहां पर एक और अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है, इंडियन ऑरिजिन. तो यहां पर भी जा सकते हैं बिकॉज पेरेंट्स को इंडियन खाना है और मुझे थोड़ा यू नो थोड़ा अच्छा खाना है यार, थोड़ा डिफरेंट. सो गाइस, कमेंट में विश कीजिए मम्मी को एनिवर्सरी. तो चलते हैं अब. सो गाइस, दिस इंडियन ओरिजिन, हम आ चुके हैं एंड ये थोड़ा ऐसा फाइन डाइन है. यू कैन सी फ्रॉम द रेस्टोरेंट. सी अ मेन्यू. सो गाइस, काफ़ी कंफ्यूजन हो गई है कि यार कहाँ जाना है कहाँ नहीं, बिकॉज पेरेंट्स को खाना है इंडियन और मुझे जाना है बूहो कलिनरी बार. अब देखते हैं यार कहाँ जाते हैं. एक्चुअली पेरेंट्स तो चले गए हैं इंडियन ओरिजिन में हेयर एंड मैं अभी जा रहा हूँ देखने हैं. बूहो गाइस, हम आ चुके हैं बूहो. सो गाइस, यहाँ का माहौल काफ़ी लिट लग रहा है यार, एकदम गोवा वाली वाइब आ रही है मुझे. मुझे यहाँ पर आने का काफ़ी मन है लेकिन पेरेंट्स की वजह से आज उनका दिन है, एनिवर्सरी है, तो यार लगता है वहीं बैठना पड़ेगा. लेकिन डेफिनेटली मैं यहाँ ज़रूर आऊँगा किसी और के साथ प्रॉब्ली, लेकिन आपको ज़रूर दिखा. सो गाइस, आई डोंट थिंक ये पेरेंट्स के मतलब का है बूहो, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लाउड. तो अब चलते हैं यार इंडियन ओरिजिन और खाते हैं थोड़ा इंडियन और आपको दिखाते हैं व्हाट वी आर ऑर्डरिंग टुडे. चलिए गाइस, ऐसा लग रहा है तुम्हारा भाई कुछ आज पहने मैंने बूट्स एंड वॉच. सो गाइस, बड़े दिल पर पत्थर रखकर मैं आ गया इंडियन ओरिजिन इंडियन खाने के लिए, जिसका मेरा बिल्कुल मन नहीं था. लेकिन चलो, दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो हम चलते हैं इंडियन ओरिजिन. और तो स्टार्ट करते हैं कुछ दही कबाब से. यार दिखने में तो ये काफ़ी अलग से लग रहे हैं, विद अ स्टिक आइसक्रीम जैसे लग रहे हैं, लेकिन काफ़ी एस्थेटिक हैं. एंड अब इसको करते हैं थोड़ा टेस्ट, आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके. और देखिए यार, पूरी आइसक्रीम लग रहा है और इसके ऊपर यार थोड़ा गज्जक जैसा कुछ डाला हुआ है. और इसके बाद भैया यार चाट बनाएंगे अभी, वो भी आपको दिखाता हूँ कैसे भैया चाट बनाएंगे, एक लाइव चाट. अब इसका एक्सपीरियंस भी दिखाते हैं, शेफ आ गए हैं.
गाइस फाइनली हमारी ड्रिंक आ चुकी है। चीयर्स चीयर्स कर जल्दी। सो गाइस ये लगी हुई है इस पर कश्मीरी मिर्च और अभी टेस्ट करके देखते हैं इसको कैसी है। मम्मी ने भी ली मसाला कोक। बहुत अच्छी। तो गाइस ऐसा है कुछ यहाँ का बार, लेकिन मैंने ड्रिंक नहीं की क्योंकि अभी इनको लाइसेंस नहीं मिला। मॉम इज गेटिंग रेडी एंड तुम्हारा भाई भी रेडी है। सो गाइस दिस इज सम सेल्फी टाइम, आप देख सकते हैं। सो गाइस यहाँ का एक्सपीरियंस भैया ने काफी अच्छा कराया और भैया ने पैक करवा दिया, कुछ अच्छा हमारे लिए। यस सर डेफिनेटली बहुत एंजॉय किया। गाइस डेफिनेटली यहाँ आइए, इंडियन ओरिजिन बहुत अच्छा है ये, इसका डाइनिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, यहाँ के शेफ बहुत अच्छे हैं। ओके भैया। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई डोंट नो मैं इस ब्लॉग में कुछ और ऐड करूँगा कि नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छा था सब। द एक्सपीरियंस वॉज नाइस बिकॉज दिस वॉज आवर फर्स्ट टाइम एंड दिस इज प्रॉब्ली द न्यू एडिशन टू दिस प्लेस। इंडियन ओरिजिन, एक्चुअली इट्स अ फ्यूजन ऑफ इंडियन एक्सेंट एंड बुखारा, तो आप डेफिनेटली आ सकते हैं यहाँ पर। जो भी मेरे भाई लोग रहते हैं यहाँ पर फरीदाबाद में या फिर फरीदाबाद के पास रहते हैं वो भी आ सकते हैं, तो डेफिनेटली आए, डेफिनेटली चेक कीजिए। और अभी हम चलते हैं घर की ओर। सो गाइस 12 बज चुके हैं और रोज़ पापा मेरी स्लीप साइकिल ख़राब करा देते हैं और बोलते हैं मेरे साथ बाहर चल घूमने। पापा क्या कहना चाहेंगे आप, रोज़ बोलते हैं मेरे को कि नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देख बेटा। मैं बोलता हूँ सो जाऊँ, बोलते नहीं सेक्स एंड द सिटी देख मेरे साथ। तो गाइस दिस वाज द केक व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस फ्रॉम चीज केक एंड कंपनी, माय फेवरेट एंड हैंड्स डाउन मैंने आपको बोला ही था बहुत अच्छा होता है इसका, तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। और टेक्निकली 5th अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, सो एनिवर्सरी इज ओवर, बट हम केक काट के सो जाते हैं, तो आप भी सो जाइए एंड एंजॉय कीजिए हैरी रोलिंग को। ओके गुड लक बाय।